Hello student, I Dilip Kumar from SS Educational Institute. So now operating system की series में हम बात कर रहे हैं scheduling algorithms की, और scheduling algorithm में आज हम बात करेंगे non primitive algorithm के अंदर second number के algorithm जो है SJF, that means shortest job first algorithms की बात करेंगे. तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ shortest job first जो है उसको हम shortest job next भी कह सकते हैं, ठीक है ना. तो बच्चों हम अगर बात करें शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की, तो नॉन प्रिमिटिव के अंदर हम इसे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट दैट मीन्स SJF बोलते हैं. अगर हम बात करें किसी क्वेश्चन के अंदर आपके ये आ जाए कि SJF विद प्रिमिटिव, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड द SRTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट. ये भी एक एल्गोरिथम है, इसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे जब हम प्रिमिटिव एल्गोरिथम की बात करेंगे, तो इसका भी न्यूमेरिकल कराएंगे. बट इन केस अगर आपके पास क्वेश्चन ये आ जाए कि SJF विद प्रिम्प्शन, दैट मींस ये जो वर्क करेगी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम की तरह ही ये काम करेगी. ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना. अगर SJF केवल बात आती है दैट मींस कि ये नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम है बस. बट अगर हम बात करें अगर SRTF आती है डायरेक्ट तो कोई बात नहीं. अगर मान लीजिए SJF विद प्रिम्प्शन आती है दैट मीन्स SRTF एल्गोरिथम हम बात करेंगे आगे, ये उसी की तरह की से सॉल्व होगी. ठीक, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन की न्यूमेरिकल की. तो आउट ऑफ ऑल अवेलेबल वेटिंग प्रोसेस, अभी हम बात करेंगे, अभी दिखाएंगे हम आपको क्वेश्चन, उसमें जितने वेटिंग प्रोसेस हैं उसमें से हमको स्मॉलेस्ट बेस्ट टाइम सेलेक्ट करना है और उसे एग्जीक्यूट करना है. ओके, दोबारा से रिपीट करा मैं क्वेश्चन को कि हमको बस टाइम के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है. अगर बस टाइम इनके सेम होता है देन दैट मींस कि हम कहाँ पर जाएंगे, हम उसके अराइवल टाइम पे आ जाएंगे. इनके अराइवल टाइम भी सेम होता है, बस टाइम भी सेम होता है देन हम कहाँ जाएंगे, जो प्रोसेस की जो प्रायोरिटी सेट हो रखी है जिस हिसाब से जिस क्यू में प्रोसेस लगे हुए हैं हमारे, उस हिसाब से फिर प्रोसेस वाइज करेंगे हम. ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बस टाइम को देखेंगे, देन अराइवल टाइम, और देन फिर प्रोसेस को. ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने. प्रोसेस दिया हुआ है P1, P2, P3, P4 एंड P5. अराइवल टाइम इज दैट 21402 अकॉर्डिंग टू प्रोसेस, एंड बस टाइम इज 15163 सेम अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस. सो नाउ इन दिस न्यूमेरिकल वी विल कैलकुलेट द CT, दैट मीन्स अ कंप्लीशन टाइम और एग्जिट टाइम, सेकेंड टर्न अराउंड टाइम, थर्ड इज वेटिंग टाइम, एंड फोर्थ इज रेस्पॉन्स टाइम. सो आई मीन टू से दैट कि हम इस क्वेश्चन में जब कर रहे हैं तो आपको पहले बता देते हैं कि नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम है SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का ये न्यूमेरिकल है जो हम करा रहे हैं आपको. इसमें बात कर रहे हैं जैसे कि पहले बताया मैंने कि नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम में वेटिंग टाइम एंड रेस्पॉन्स टाइम ऑलवेज सेम होगा. निकालते हैं न्यूमेरिकल, आपके सामने आ जाएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने से. ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं. देखिए ये गेंट चार्ट जो हम बनाया है इसमें हम स्टार्ट करते हैं, जीरो से स्टार्ट होगा. ठीक है ना, जैसे ही हमारे रेडी क्यू में हमारा प्रोसेस आया तो जीरो टाइम पर कौन सा प्रोसेस एक्टिवेट है हम उसको देखते हैं. जीरो पे देखिए सबसे पहले एक्टिवेट हमारा P4, तो हमने इसको P4 लिया. ठीक, अब नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम हम बार बार बता रहे हैं. नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम का मतलब है कि एक बार कोई प्रोसेस अगर आ गया तो वो पूरा ही कंप्लीट होगा तभी एग्जीक्यूट होगा. अभी यहाँ पर हम बात बस टाइम की कर रहे थे, अभी क्वेश्चन बताया था कि बस टाइम के अकॉर्डिंग हमें इसको प्रोसीड करना है, लेकिन जिस वक्त बस टाइम के अकॉर्डिंग कराएंगे हम उसको प्रोसीड, उससे पहले प्रोसेस जो है वो क्यू में भी तो आना चाहिए. क्यू में प्रोसेस ही नहीं आएगा तो बस किसका होगा वो. ठीक है ना, सो सेम चीज़ जीरो टाइम पर हमारा P4 ही एक्टिव है. P4 को हमने सिलेक्ट किया तो P4 को जैसे सिलेक्ट करेंगे तो इसका बस टाइम 6 है, दैट मीन्स ये कंप्लीशन पूरा होगा पहले. ठीक, उसके बाद देखिए 6, जैसे ही 6 टाइम आया हमारा, 6 टाइम का मतलब है कि आफ्टर 6 सेकेंड हम देखेंगे, अराइवल टाइम में देखेंगे तो 6 टाइम में सारे के सारे प्रोसेस हमारे एक्टिवेट हो गए. P1 भी एक्टिवेट, P2 भी एक्टिवेट, P3 भी एक्टिवेट, P5 भी एक्टिवेट हो गया, P4 कंप्लीटेड हो चुका है. ठीक, नाउ अब हम क्या सेलेक्ट करेंगे इसमें, अब हम बस टाइम पे आएंगे. ठीक है ना, अब बस टाइम देखिए किसका सबसे कम है. आप देखिए P1 एंड P3
दोनों का बस टाइम जो है वो दोनों का सेम है। ठीक, अब जब बस टाइम सेम होता है तो हम किस पे बात करते हैं, किस पे पहुंचे हम, अराइवल टाइम पे। अब अराइवल टाइम देखिए किसका है, पहले अराइवल टाइम P1 का 2 है और P3 का 4 है। ठीक, और अराइवल टाइम बस टाइम देखेंगे, बस टाइम सेम होने पे तब हम, ये नहीं कि अराइवल टाइम है 2 इसका भी है तो, लेकिन इसका नहीं, हम केवल बस टाइम की बात करें। बोले बस टाइम जब सेम है तो इसमें अराइवल टाइम देखिए 2 और 4, तो 2 P1 का है, तो इसका मतलब हमने P1 को सेलेक्ट कर लिया। P1 कहाँ जाएगा हमारा, केवल 1 ही सेकंड तक चला ये। ठीक है, 7 में ये कंप्लीट हो गया था, तो P1 भी कंप्लीट। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम आगे, 7 पे देखिए सब एक्टिवेट हैं, ये 2 हो चुके हैं, P2 P3 P5 पे बस टाइम P3 का कम है, दैट मीन्स सेलेक्ट हमने P3 किया, ये भी 1 सेकंड चलेगा। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद बचे हमारे पास केवल 2 ही प्रोसेस, प्रोसेस P2 एंड प्रोसेस P5। अब बस टाइम P5 और P3 में चेक करेंगे, दैट मीन्स P3 का बस टाइम जो है वो कम है, तो सेलेक्ट करेंगे हम P5 को, और 8 और 3 11, ये कंप्लीट। लास्ट P2 11 और 5 16। ओके, अब देखिए अगर मान लीजिए कोई इसमें वेटिंग आइडल नहीं आता है, किसमें, इस गैंट चार्ट के अंदर, तो जो बस टाइम होगा हमारा वो इसके इक्वलेंट होगा, देखिए 6 3 9 1 10 और 6 16, ठीक है ना, ये 16 16 अगर नहीं आता है कोई। ठीक है, वैसे इससे कोई काम नहीं है हमें, बट अगर कोई आइडल नहीं आता है इसके अंदर हमारा, तो ये और ये इसके अंदर होता है, ठीक, सेम होता है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्या निकालना है हमको, कंप्लीशन टाइम। देखिए कंप्लीशन टाइम किसी प्रोसेस के अंदर हम राइट टाइम को, राइट साइड को देखेंगे गेंट चार्ट के अंदर, P1 देखिए कहाँ है, ये रहा P1 में 7, दैट इज 7 इसका कंप्लीशन टाइम है। P2 16, ओके, P3 8, ओके, P4 6, ओके, P5 11, ओके, दैट इज अ कंप्लीशन टाइम। ठीक, उसके बाद हम निकालेंगे टर्न अराउंड टाइम, TAT के लिए हमने आपसे पहले बोला था, TAT निकालने के लिए हमारा होता है CT माइनस AT। सो नाउ CT दैट मीन्स 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, 16 माइनस 1 इक्वल टू 15, 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, 6 माइनस 0 इक्वल टू 6, 11 माइनस 2 इक्वल टू 9। ओके, नाउ अब हम निकालेंगे वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम मीन्स TAT माइनस BT, बस टाइम। ओके, देखिए TAT दैट इज मीन्स ये है TAT और ये है बस टाइम। ओके, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, 15 माइनस 5 इक्वल टू 10, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, एंड 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। ओके, अब निकालेंगे हम रेस्पॉन्स टाइम। ठीक, रेस्पॉन्स टाइम मतलब फर्स्ट टाइम जैसे क्यू में हमारा प्रोसेस आया है, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट टाइम एंड अराइवल टाइम। ओके, फर्स्ट टाइम P1 कब आया हमारा, देखिए 6 पे, 6 माइनस अराइवल टाइम 4, दैट मीन्स 6 माइनस 2, दैट मीन्स 4। P2 मीन्स 11 माइनस 1 इक्वल टू 10। P3 7, 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। P4 0, 0 माइनस 0, दैट मीन्स 0। P5 8 माइनस 2 इक्वल टू 6। आप चेक कर सकते हैं WT इज इक्वल टू RT। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम है तो रेस्पॉन्स टाइम एंड वेटिंग टाइम दोनों हमारे इक्वलेंट होंगे, और जैसा कि पहले क्वेश्चन में हमने बताया, इससे ज़्यादा आपके न्यूमेरिकल में क्या पूछेगा आपसे, एवरेज टर्न टाइम पूछेगा, एवरेज वेटिंग टाइम पूछेगा, और इससे बड़ा ज़्यादा क्वेश्चन में और कुछ नहीं पूछता, केवल इतना ही पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम, इसका सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है हमारे पास, चार प्रोसेस हैं, अराइवल टाइम दे रखा है इसका, बस टाइम दे रखा है। ठीक है ना, सेम इसमें भी हम CT और टर्न टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, SJF मीन्स नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम सही है। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या ड्रॉ करेंगे, इसका गैंट चार्ट।
गेंद चार्ट ड्रॉ करेंगे बेटा हम, इसमें सबसे पहले हम स्टार्टिंग हमेशा जीरो से करेंगे। अब देखिए जीरो में तो कोई हमारे पास प्रोसेस ही नहीं आया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, इसको हम 1 सेकंड तक चलाएंगे और इसको क्या कर देंगे आइडल, ठीक ना। अब 1 सेकंड बाद देखिए हमारे पास 1 सेकंड बाद दो प्रोसेस आ गए, P1 एंड P3, ठीक। अब P1 P3 में से हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे, अब ये कन्फ्यूजन है ना। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का मतलब है कि जिसकी जॉब शॉर्टेस्ट हो, दैट मीन्स जिसका टाइम बस टाइम कम होगा, हमें वो सेलेक्ट करना है। अब देखिए इसका बस टाइम देखते हैं हम, बस टाइम देखिए P1 का बस टाइम है 3 और P3 का बस टाइम है 2, दैट मीन्स वी विल सेलेक्ट द प्रोसेस P3। ओके, आपकी समझ में आ गया होगा हमने P3 क्यों सेलेक्ट किया है, इसका बस टाइम जो है वो 2 है। तो जैसे ही हमने P3 सेलेक्ट किया, नॉन प्रिम्प्टिव है, एक बार प्रोसेस आने के बाद वो प्रोसेस कंप्लीट होना ही है, दैट मीन्स कि हमारा प्रोसेस कंप्लीट होगा पूरा 2 चला, 3 सेकंड पे पहुंच गए हम। 3 पे हमारे कौन कौन से एक्टिवेट हो गए, जबकि P3 कंप्लीट होगा, P3 का टाइम। अब हमारे पास हो गए P1 P2, अभी P4 नहीं एक्टिव है क्योंकि P4 को आने के लिए 4 सेकंड चाहिए, अभी तो हम 3 सेकंड पे पहुंचे हैं। तो आप देखिए ये दोनों एक्टिव हैं, P1 एंड P2। अब P1 P2 में बस टाइम किसका कम है, P1 का, सो वी विल सेलेक्ट P1। और ये कहाँ तक बस्ट होगा, ये हमारा 3 है इसका, दैट मीन्स ये गया 6 तक, ठीक है। तो P1 कंप्लीट हो गया। अब 6, जैसे ही हमारा टाइम 6 हो गया, दैट मीन्स कि हमारे ये पूरे के पूरे प्रोसेस एक्टिवेट हो गए। अब पूरे प्रोसेस में से तो केवल 2 तो एग्जीक्यूट हो चुके हैं, केवल हमारे पास 2 प्रोसेस बचे हुए हैं, P2 एंड P4। P2 P4 में देखिए दोनों का बस टाइम सेम है, दोनों का बस टाइम सेम है। अब सेम बस टाइम है तो हम किसको लेंगे, हम अब हम बात करेंगे, हम अराइवल टाइम पे आएंगे कि क्यू में कौन पहले आया, क्यू में पहले कौन आया, P2 आया कि P4 आया। अब देखिए कि अराइवल टाइम 2 और इसका 4, दैट मीन्स कि P2 जो है वो क्यू में पहले आया है। तो हम इसके अकॉर्डिंग किसको सेलेक्ट करेंगे, हम P2 को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। P2 सेलेक्ट करेंगे तो इसका बस टाइम है 10, दैट मीन्स 6 4 4 10 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद ये भी कंप्लीट, अब बचा केवल 4, डेफिनेटली वी विल सेलेक्ट 4, दैट इज अ 14। आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा ये गेंट चार्ट किस तरीके से कंप्लीट हुआ हमारा, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम सेम CT निकालेंगे, कंप्लीशन टाइम। P1 का कंप्लीशन टाइम देखिए क्या है, 6, ठीक। P2 का कंप्लीशन टाइम 10, P3 का कंप्लीशन टाइम 3, P4 का कंप्लीशन टाइम 14। ओके, उसके बाद हम निकालेंगे टर्न अराउंड टाइम, दैट मीन्स टर्न टाइम में क्या निकालेंगे, CT माइनस 80। CT कितना हमारे पास, 6 माइनस 80, दैट मीन्स 5, 10 माइनस 2 8, 3 माइनस 1 इजल टू 2, 40 माइनस 4 इजल टू 10। ओके, अब हम निकालेंगे वेटिंग टाइम, वेट टाइम मीन्स TAT, टर्न टाइम माने बस टाइम। ओके, TAT माइनस बस टाइम, दैट मीन्स के 5 माइनस 3 2, 8 माइनस 4 4, 2 माइनस 2 0, 10 माइनस 4, दैट मीन्स 6। ये आपका आ गया वेटिंग टाइम। और रेस्पॉन्स टाइम मतलब फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, माइनस अराइवल टाइम। ओके, फर्स्ट टाइम मतलब P1 कब आया हमारा, 3 पे, 3 माइनस 1 2। P2 कब आया हमारा, 6 माइनस 2 4। P3 कब आया हमारा, 1, 1 माइनस 1 0। P4 10, 10 माइनस 4 6। सेम WT इजकल टू RT, जैसा कि हम बता चुके हैं नॉन प्रिमिटिव में WT इज ऑलवेज इक्वल टू रेस्पॉन्स टाइम, ठीक है ना। आई थिंक आप लोगों के शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। इसमें मैक्सिमम और क्या क्वेरी बनती है हमारी, एवरेज टर्न टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, ओके। आगे वीडियोस में बात करेंगे हम नेक्स्ट एल्गोरिथम्स की, देखते हैं इसमें हम शायद आपको हम प्रिमिटिव एल्गोरिथम के बारे में बात कराएंगे अब आगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।